खबर कोलारस से है, जहां कोलारस थाने पर शाम के 5 बजे शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोलारस एसडीएम आशीष तिवारी, कोलारस टीआई सतीश सिंह चौहान एवं स्टाफ मौजूद रहा। जो बैठक हुई है शांति समिति की कोलारस थाने में, इसमें सर क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और क्या क्या इसमें सुझाव दिए गए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज की बैठक एसडीएम साहब की अगुवाई में कस्बे के किराना व्यापारी और सब्जी व्यापारी थे, उनकी बैठक ली गई। उसमें सभी की सहमति, सर्वसहमति से ये डिसाइड हुआ है कि किराना व्यापारी सुबह 7 बजे से, किराना एवं सब्जी विक्रेता सुबह 7 बजे से 11 बजे तक स्वेच्छा से दुकान खोलेंगे। इसके अलावा जो ट्रैक्टर कृषि संबंधी जो पार्ट्स की बिक्री होना है वो 12 बजे से 5 बजे तक। इसमें सर जो लॉकडाउन का पालन जिन लोगों के द्वारा किया जा रहा है और जिन लोगों के द्वारा सर नहीं किया जा रहा है कोलारस क्षेत्र में, सर उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई आपके द्वारा थाने के द्वारा की जा रही है? विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, अभी हमने जो मास्क नहीं लगाने वालों पर भी जुर्माने किए हैं, नगर पालिका के सहयोग से 40 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की थी जी। और जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। सर कोलारस क्षेत्र की जनता को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहता हूं कि ये लॉकडाउन जो है लागू किया गया है वो उनकी ही सुरक्षा के लिए किया गया है। ज़्यादातर लोग स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन जो उसका उल्लंघन करते हैं वो आम जन के लिए घातक है, अतः सभी लोग इसका कड़ाई से पालन करें। सर अंत में एक सवाल और, सर अभी तक कोविड-19 में कोलारस में एक भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं आया है, इसके लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है, तो इस प्रयास इसके जी प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में भी कोई ऐसा यहाँ पर कोलारस में न हो जी, इसी के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं और भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।